अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इब्राहिम और मैं आपके फेवरेट शो क्रिकेट वर्ल्ड के साथ हाजिर हूँ। और आज हम क्रिकेट वर्ल्ड का 2 आवर का स्पेशल एडिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह प्राइमरली पाकिस्तान की कल बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिक विन। लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने 20 साल के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी। एंड आई मीन आई फील के इफ यू केयर अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट और इफ यू वॉच पाकिस्तान क्रिकेट, दिस वॉज प्रॉब्लम ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, फॉर मी इट वॉज। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इतने टफ हालात के अंदर, पाकिस्तान की टीम इतनी तकलीफ से गुजरी पिछले 5 साल, इसी ग्राउंड पे 5 साल पहले मोहम्मद आमिर आसिफ वाला वाकया हुआ और उसके बाद उसी ग्राउंड में जाके 5 साल के बाद, जबकि हमारे बहुत कम चांसेस थे जीतने के, इंग्लैंड के जो टैबलॉइड्स थे वो बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, तो और जाके इंग्लैंड को अंडर 4 डेज हराना उन्हीं के ग्राउंड के अंदर, आई थिंक दैट इज़ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो इफ़ यू लव पाकिस्तानी क्रिकेट, इफ़ यू फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, आई एम श्योर दिस इज समथिंग दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ। और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर काशिम अंसारी मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाले सलाम, कैसे हैं? यू जस्ट केम बैक कपल ऑफ डेज अगो फ्रॉम इंग्लैंड, राइट? जी जी, अब इसमें मैं कल जा रहा था, मुल्क से बाहर निकल रहा था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट ये कल गेम हम जीते हैं कि मैंने कहा कि सब प्रोग्राम कैंसिल किए जाए और आज जो है खुर्रम के साथ 2 घंटे बैठ के गुफ्तगू की जाए। तो इसमें आप पहली बात तो ये खुर्रम की अच्छी बात ये कि कल पाकिस्तान की तारीख का, तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा दिन था, बहुत बड़ा दिन था क्रिकेट का। और क्रिकेट के हवाले से लॉर्ड्स के ग्राउंड में 6 बरस पहले मैं मौजूद था भाई, जब ये सब कुछ वहाँ हो रहा था, मैं उसी होटल में था, तमाम चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। शम्सुल हसन वाजिद साहब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, मुझे आज तक ये याद है, और जिस तरह की ड्रामेबाजियाँ एजाज भट्ट और शम्सुल हसन वाजिद, वाजिद शम्सुल हसन जो भी नाम था, वो कर रहे थे, दिल खून के आंसू रो रहा था और दिल चाह रहा था कि किसी तरह माइक के सामने खड़े होकर चीख चीख के कहूँ कि क्या कहानी है। बट एनीवेज, कल का दिन बहुत ज़बरदस्त था, बेहतरीन परफॉर्मेंस, टीम वर्क, एक्सेलेंट वर्क, और फिर कुछ किस्मत ने भी साथ दिया आपका। किस्मत ने कैसे साथ दिया कल हमारा? कल किस्मत ने यूं साथ दिया कि बारिश नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंग्लैंड में बारिश की, लंदन में बारिश की पेशन गोई थी, 3 दिनों में, लास्ट 3 डेज में थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी नहीं हुई। दूसरा साथ किस्मत ने यह दिया कि 2-3 गलत शॉट्स खेले उनके बैट्समैन ने, कि जो हमेशा से होता है कि गेम का हिस्सा है, वो हो गया। और तीसरा ये कि 2 कैचेस बड़े ही क्रिटिकल और क्रूशल कैचेस हमने लिए। एक तो हमने लिया एलिस्टर कुक का कैच, क्योंकि एक बात यकीनन तुमने नोट की होगी कि इस पिच पे विकेट कीपर को और स्लिप को खड़ा कहां होना है, ये 4 दिन तक कोई तय नहीं कर पाया। And that happens. 4 दिन तक कोई ये तय ही नहीं कर पाया कि मैंने एक कदम आगे जाना है या एक कदम पीछे आना है, क्योंकि 3 कैच ऐसे थे जो आगे गिरे, जो मैं देख रहा था, और भी गिरे होंगे, लेकिन उतने ही कैच इतने ऐसे थे कि जो अचानक स्पीड से आए, क्योंकि आप जरा सा फॉरवर्ड खड़े हैं। बीइंग अ विकेट कीपर, आई टोटली अंडरस्टैंड, राइट? एग्जैक्टली। और तो एक यहां का टिप्पा खाया बॉल ने, इसीलिए बैटिंग थोड़ी मुश्किल होना मुश्किल हो गई है, बिल्कुल। लेकिन कल का दिन, फिर वही बात, मैं बहुत खुश हूं और पाकिस्तान कौम, 20 करोड़ अवाम के लिए, कि इतना बड़ा दिन कल का, लॉर्ड्स के ग्राउंड पे इतनी बड़ी फतह हासिल करना, ये आप खासतौर पे खुर्रम, आप पाकिस्तान टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं आप, और आपके जैसे बहुत फैंस हैं, और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने क्योंकि साइड गेम्स के अंदर बैटिंग अच्छी की थी, असद शफीक अच्छा खेला था, और ऑनेस्टली फॉर मी इन दिस गेम आल्सो, इवन दो के मिसबा स्कोर्ड 100, असद शफीक वाज़ अ सुपरस्टार। आई थिंक लोग उसको इनफ क्रेडिट नहीं देते, उसने दोनों इनिंग्स के अंदर, आई वुड रादर टेक समबडी के 75 and 49, you know, in 2 innings versus ek bande ka 100 or 0. So I mean, you know, badi achhi baat ki tumne, badi achhi baat ki hai, bahut pyari baat ki hai, aur yahi teamon ko banane aur bigadne ka bias banti hai ki 10 matchon ke baad ek century kar li, aainda 10 matchon mein wo pakka selection hai unka, aur 10 bakiya 9 matchon mein 0 pe ya 5 pe ya 10 pe out hoke aa rahe hain, badi important baat hai. Chahiye, I mean, you know, ke magar at the same time pure test match ke andar dono taraf se khelne wale ladke aur ek century hai, right? Aur wo bhi हमारे कैप्टन की, जिसकी उम्र 42 साल है, उसने कहते हैं 82-year-old रैकेट तोड़ा, तो बड़ी उम्र के बंदे का सेंचुरी करना, तो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव, आई एम श्योर देर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, मगर फॉर मी पाकिस्तान बैटेड बेटर देन इंग्लैंड, पाकिस्तान फील्डेड प्रीटी मच सिमिलर टू इंग्लैंड, एंड वी बोल्ड मच बेटर देन इंग्लैंड। यार खुर्रम, ये बहुत बिग डिफरेंस वाज यासिर शाह,
हाँ, लेकिन इस पे बहुत सारी गुफ्तगू के इम्कान हैं। रीजन आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? मैं कॉलर्स के साथ। ठीक है, आप कॉल ले लो, आप कॉल ले लो। द रीजन आई थिंक वी एडेड एन एक्स्ट्रा आवर टुडे कि लोग पूरे अमेरिका से कॉल करके हम इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, और अगर कोई फीडबैक उनकी है, अभी कुछ चीजें रूम फॉर इंप्रूवमेंट है, आई एम श्योर यू नो यू वर देयर सो यू सॉ इट, सो वी कैन डिस्कस दैट टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉलर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए, टीवी कॉलिंग बंद कर दें, और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बोल रहा हूँ मैरीलैंड से। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। पहले तो भाई वैसे मैं सब कुछ हवास बाखता हो गया कि काशिफ भाई ने इतना एकदम से पॉजिटिव फीडबैक दे दी कि वो भी इतने खुश है, तो मुझे तो सवाल वैसे भूलते। लेकिन बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेंशन करना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विक्ट्री बड़े अच्छे के बाद ऐसी है कि जो कि नो क्वेश्चन आस्क वाली जो इन जनरल जो इंग्लैंड में इस तरह से मिली। दूसरी बात ये कि गलतियां काफी हैं इसमें, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू नोटिफाई के लोग उसको ओवरलुक ना करें अगले मैचों के लिए। बॉलिंग में जैसे आप देखिए यासिर शाह का गलत एंड से इतना 10 ओवर कराना, वहाब रियाज की कोई खास मतलब अच्छा स्पेल किया उसने लेकिन इतना वो नहीं, राहत अली का स्पेसिफिकली लूज बॉल्स कंटिन्यूसली जो बाउंड्रीज उसकी पढ़ना, ठीक है, कुछ चीजें जी। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया, दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स, एंड आई प्रॉमिस यू काशिफ भाई इज नॉट डन विद इट। लास्ट चीज सॉरी के साथ वो ये कि सरफराज पे काशिफ भाई से जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब हल्का हाथ रखें प्लीज सरफराज, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और अगर आप प्लीज अगर मेरी थोड़ी सी आवाज़ यहाँ कम कर दें कान के अंदर, इट्स वेरी लाउड, सो आई हैव डिफिकल्टी हियरिंग इट, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। अच्छा, तो वी हैव अनदर कॉल काशिफ भाई, एंड जस्ट टू क्लियरिफाई काशिफ भाई इज नॉट डन विद हिज फीडबैक, ही इज वन ऑफ दोस पीपल, ही ऑलवेज फील्स देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, सो दैट्स कमिंग। सो अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आपके सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच। और काशिफ भाई के कमेंट्स तो क्या लाजवाब होते हैं, एंड बिलखुसूस आपको खुर्रम, आप बहुत ही ग्रेसफुल एंड वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप, मैं वहीं से शुरू करता हूं जो लास्ट डिस्कशन हमारी हुई थी, मैंने कछुए और खरगोश की मिसाल दी थी, अब उसको पाकिस्तान ने पलटा है, अब उसने कछुए की चाल ली है ये, और आई होप दे कीप दिस हम्बलनेस, आई होप दे कीप दिस हम्बलनेस, एंड आई होप दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस इंशाल्लाह दे विल। असल चीज जानने की है वो ये है कि उन्होंने फिजिकली अपने आप को बहुत फिट किया है। जब आप फिजिकली अपने आप को इस तरह फिट करते हैं तो आपका सही गेम रिफ्लेक्ट करता है। well said, then well said. और इसके साथ जब आप गलतियां भी करते हैं तो वो पूर हो जाती हैं फिर। थैंक यू सो मच जैन भाई। इस टीम जी और इसमें टीम स्पिरिट और फिजिकली अपने आप को फिट रखना, ये दोनों चीजें इंशाल्लाह मैं फिर कॉल करूंगा। जैन भाई बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो जैन भाई कॉल्स फ्रॉम अटलांटा, एंड काशिफ हैज बीन कॉलिंग फॉर इयर्स, ही इज एन इंडियन सपोर्टर इंडियन टीम के, और मगर ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, सो अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट जब दोनों तरफ से अच्छी हो। वी हैव अनदर कॉल एंड होपफुली इट वोंट बी दैट लाउड दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी सलाम। वालेकुम सलाम जी, नसीम बात कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। कैसे नसीम भाई, भाई? कॉल करने का सर। हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने कुछ बातें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो आपने बोला किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने साथ तो वेदर से आप बोल सकते हैं साथ दिया, बाकी जो गर्ल शार्ट हैं वो तो हमारे बॉलर्स ने उनको गर्ल शार्ट खेलने के लिए बॉलिंग ऐसे कराई है कि उनको खेलनी पड़ी गर्ल शार्ट्स और वो आउट होते रहे। right. तो इसमें कमाल हमारे बॉलर्स का है, किस्मत का नहीं है। तो सेकेंडली सजेस्ट करूंगा अपनी टीम को कि नेक्स्ट मैच में अब हमने इतना फूलना नहीं है, हमें इससे भी अच्छा जो अपनी गलतियों से सीखना है जो की है और इससे भी अच्छा खेलना है। और थर्डली मैं सजेस्ट ये करूंगा कि इनको एक और स्पिनर के साथ जाना चाहिए। इंग्लैंड टीम उनके जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, सो यासिर शाह और आई थिंक एक और स्पिनर इनके साथ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आई थिंक योर वैलिड पॉइंट्स। काशिफ भाई आपने कहा कि किस्मत का काफ़ी हाथ था, तो उस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। आई मीन ऑफकोर्स
वेदर की हेल्प थी। तो ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की टीम थी इसके अंदर अभी आपके ख्याल में क्या और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? चलिए अब कहाँ से शुरू करें ये बताओ आप। मेरा तो ख्याल है कि ओपनर कम अज कम ये तो हुआ कि एक कॉलर साहब ने ये अप्रिशिएट किया कि मैंने खुल के पाकिस्तान टीम की कामयाबी की खुशी मनाई है और उसको क्रेडिट दिया। ठीक है जी, ये बात हम सब एक फैक्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे खूबसूरत दिन। ठीक है, और मैं उसमें बराबर का खुशी में हिस्सेदार हूं क्योंकि पाकिस्तान और मैं, और मैं और पाकिस्तान ना कभी एक दूसरे से अलहदा हो सके हैं ना कभी अलहदा होंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, और क्रिकेट का तो हमारा चोली दामन का साथ। आप फ्लाइट मिस करके यहां जी बताइए जरा। तो बहरहाल तो अब आ जाओ, शुरू करते हैं सिलेक्शन से। खुर्रम, बेसिक गलतियां, बेसिक बेवकूफियां और जिहालत की सिलेक्शन है। अल्लाहु अकबर, जिहालत की सिलेक्शन। मैं तुम्हें बताता हूं ना, सुनो, सुनते रहो, मैं पूरा उसको आपके नंबरों के साथ साबित करूंगा। बिल्कुल, इंग्लैंड की, पहला सवाल मैं ये आपसे पूछता हूं कि इंग्लैंड की पिच के ऊपर कल आपको सबसे ज्यादा विकेटें किसने लेकर दी हैं? स्पिनर कौन है आपके पास? यासिर शाह का मसला क्या था? उसका मसल पुल था, बैक में दर्द था, जो भी था, बीमार था वो। आप किस स्पिनर को, दूसरे स्पिनर को साथ लेके गए? जुल्फिकार बाबर के पास कौन सी बॉल टेकिंग डिलीवरी है? यासिर के पास तीन डिलीवरीज हैं, वो मैं तीनों बता देता हूं। फ्लिपर है, लेग स्पिन है और गुगली है। ये तीन उसकी मेन डिलीवरीज है जिसपे वो विकेट लेता है, और एक क्विकर भी है जिसको शूटर कहते हैं ये लोग, चलो वो भी मान लेते हैं। लेकिन जुल्फिकार बाबर के पास कौन सी विकेट टेकिंग डिलीवरी है? नॉट अ सिंगल डिलीवरी जुल्फिकार बाबर जो है ऐसी करता है कि जो विकेट टेकिंग हो, जिसको कभी भी वो ट्रंप कार्ड के तौर पे यूज कर ले। आपने हम्माद आजम को घर बैठाया, आपने वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या नाम है उस लड़के का, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूं, हमाद आजम, दूसरे का क्या नाम है, इमाद वसीम लड़का, 6 फुट लंबा लड़का, इंग्लैंड में खेल चुका, पूरी अपने बचपना इंग्लैंड में खेल के पाकिस्तान टीम के लिए ट्रायल देता है और फिर वो पाकिस्तान टीम टेस्ट में, मैच के लिए, टेस्ट मैच नहीं, क्रिकेट खेल चुका उसको, I'm just saying कि कल की टीम में क्या गलत, मैं सब बताता हूं सर, मैं ओवरऑल पहले से ऊपर से लेके चलता हूं। ठीक है, आपका ट्रम्प कार्ड क्या है? आपके पास दो ट्रम्प कार्ड, एक आमिर और एक यासिर। आपको अगर एक और ट्रम्प कार्ड मिल जाता या एक वो पत्ता कि जो आपको विकेट लेके निकाल देता, वो अगर मिल जाता तो आपको क्या प्रॉब्लम? कहां से लाएगा ना, आपके पास इमाद वसीम है ना, मैं कह रहा हूं ना, इमाद वसीम वो लड़का है जो इस इनविक्टो पे सबसे ज्यादा कामयाब होगा। आज मैं बताता हूं सर, मैं पूरी सबूत से करता हूं। चार मैं आपको दूंगा लेफ्ट आर्म स्लो लेग ब्रेक ऑफ स्पिनर या लेग ब्रेक दूंगा आपको मैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए इंग्लैंड में उठाइएगा सर। सबसे पहले डेनियल वटोरी की पर विकेट एवरेज लेस देन 15 रन होगी। ये बात आप नाजरीन, आप टीवी पे, अपने यूट्यूब पे या क्रिक इन्फो पे जाके चेक कर लीजिए। डेनियल वटोरी हमेशा से हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर न्यूजीलैंड का रहा, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की पिचों के अंदर। ठीक है, क्या है वो? लेफ्ट आर्म स्लो। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, वो अपना ट्रम्प कार्ड उनका एक तैयार हुआ था जो एशिस के अंदर था, और एशिस उसने ऑलमोस्ट जितवाई है इंग्लैंड को, और वो कौन था? मोंटी पनेसार। ठीक है, मोंटी पनेसार के पास वही क्रीज यूज करनी है, वही विकेटें यूज करनी है, वही आर्म को करीब लाके बैट्समैन को आखिरी वक्त तक ऑब्जर्व करना है, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, फिर वो गेंद डालनी है। ये दो हो गए। तीसरा है आपके पास खिलाड़ी अजय जडेजा ने जो परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली इंग्लैंड के टूर में 2 साल पहले दी थी, 3 साल हो गए शायद उसमें दी थी, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसकी बॉलिंग एवरेज देखो, उसकी विकेट टेकिंग कैपेसिटी देखो, ये वो तीन जिंदा मिसालें हैं। Let me put this in perspective, right? So people don't lose track of what you were saying. आप कह रहे हैं कि कल की टीम के अंदर इमाद वसीम को खेलना चाहिए। कल की ही नहीं, आइंदा हर मैच में इमाद वसीम को होना चाहिए। इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परमानेंट फिक्स्चर होना टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैच, वनडे, T20 तीनों में। ठीक है मैं उसकी वजह बताता हूं ना। देखो, तुम्हें एक रॉ टैलेंट, मैं तुम्हें दूंगा ना, किसी राहत को बैठालते, आप राहत को बैठालते, आप वहाब को बैठालते, आप किसी को बैठा। यू आर सेइंग पाकिस्तान शुड प्ले विद टू स्पिनर्स, ऑलवेज टू स्पिनर्स एंड थ्री फास्ट,
थ्री फास्ट. देखो जो लोग विजन रखते हैं ना वो फिर शेन वॉटसन बनाते हैं, जो लोग विजन रखते हैं वो चंदीमल और मैथ्यूज बनाते हैं, जो लोग विजन रखते हैं वो अजय जडेजा बनाते हैं, जो लोग विजन रखते हैं वो अब्दुल रजाक बनाते हैं, जो लोग विजन नहीं रखते हैं वो अजहर महमूद को जाया करते हैं, वो हमाद आजम को जाया करते हैं, वो इमाद वसीम को जाया करते हैं, वो अनवर अली को जाया करते हैं. कितनी मिसालें मांगोगे और कितनी मिसालें, बिलावल भट्टी को जाया करते हैं. वैलिड पॉइंट. लेट मी आस्क यू दिस. सो कल के मैच के अंदर, कल के मैच के अंदर सरफराज जो है सातवें नंबर पे आए, ठीक है ना, आप पांच बॉलर डाल देते हैं. पांच नहीं डालते हम, चार बॉलर डालते हैं. पांच बॉलर से खेलेंगे, दो स्पिनर तीन फास्ट बॉलर, वो ऑलराउंडर. कल के मैच की तैयारी में मैं आपको बता दूं, कल के मैच में मेरी तीन चेंजेस थी. पहली चेंज मेरी थी कि आप हफीज को ड्रॉप करते. सबसे पहले हफीज की इस टीम में जगह नहीं बनती, ये या दीवार पे लिख के लगा दो, किसी टीम में उसकी जगह नहीं खिलाते. अच्छा, हफीज की जगह अगर हम 6 महीने पहले इस प्लानिंग को लेकर चलते, बाबर आजम खेलता, रिजवान खेलता, या ओपन कराते आप सरफराज से. जो टीमें गिलक्रिस्ट बनाती हैं, जो टीमें कुमार संगकारा बनाती हैं, जो टीमें महेंद्र सिंह धोनी बनाती हैं, जो टीमें ब्रैंडन मैकेलम बनाती हैं, वो टीमें ये विजन रखती हैं. ठीक है, सुनते जाओ बेटा, मैं बराबर से चलूंगा. देखें, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द शो इज कि वी डोंट एग्री ऑन एवरीथिंग, राइट? वी डोंट एग्री ऑन एनीथिंग. And मैं आई एम इन अ शॉक, लाइक ऑनेस्ट टू गॉड आई एम इन अ शॉक आपकी फीडबैक सुन के आज. ठीक है, ये वो वाली बात है. मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल हमारे घर में शादी थी, आप कह रहे हैं भाई आज भी शादी, आज मेहंदी, और आप कह रहे हैं यार बैठ के ये पता करो, जो खालू आते हैं ना, जो कहते हैं कुछ भी हो जाए शादी पे उन्होंने पंगा करना है. मामू दूल्हा के मामू. आप वो मामू क्यों बन रहे हैं? हम लोग आज ईद का दिन है, मैं ईद पाकिस्तान की क्रिकेट में ईद हो गई. मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो दावत है बड़ी ईद की, या कल जो 200 मेहमान घर पे आने वाले हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, या बर्मिंगहम के अंदर, या ओवल के अंदर, बेटा भाई लॉर्ड्स में कौन खिलाता है दो स्पिनर? मेरे शहजादे, जिस पिच को आपने गलत रीड किया हो फ्रॉम डे वन, उस पिच के ऊपर अब छोड़ दो, पिच को हटा दो. मैं उस गुफ्तगू में जाता ही नहीं. जो टेक्निकल इंग्लैंड की टीम जिनका होम ग्राउंड है, उन्होंने बगैर स्पिनर के मैच खेला है. उन्होंने खेला स्पिनर के साथ, ठीक है, वो मोइन अली था उनके पास, लेकिन उनका वेपन नहीं. इसी से सीखो, मेरा वेपन, अरे रुक जा मेरे शहजादे, मेरा वेपन क्या है, मेरा वेपन क्या है, ये बात क्रिकेट टीम किसी भी फौज के जर्नल को पता होनी चाहिए बैटल फील्ड में उतरने से पहले. कार्ड क्या उसका, मेरा वेपन क्या है, मैं किससे मारूंगा दुश्मन को? मैं सुनते रहो, अगर तो इंग्लैंड की बात से सीखो. कैन यू हियर देम? नहीं, मैंने वी नीड टू टेक अ ब्रेक देयर. नहीं, रुक जाओ, मेरी बात को जवाब दे दो ताकि नाज़रीन इसके ऊपर सोचे. राइट. मैं अपना वेपन अपनी मर्जी से तैयार करता हूं, उसको अपनी मर्जी से तेज करता हूं, उसको अपनी मर्जी से आलाय महारत बनाता हूं, और उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता हूं. यह है मेरे जीतने की तरीके. ठीक है साहब, अब इस वेपन को इंग्लैंड पे लेके चलते हैं. इंग्लैंड के पास वेपन है फास्ट बॉलिंग. जिमी एंडरसन, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, आपका ब्रेंसन, ये वो, और वो तुम्हारा वोक्स और वाइली, ये बनाते हैं वो लोग. ये लोग बैठ करके सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, सईद अजमल नहीं बनाते. वो कहते हैं हमारा वेपन ही नहीं है ये तो. लेकिन जिस भी गेम में वो जाते हैं उसमें अपने वेपन को लेके जाते हैं. कल के गेम में वो पार्ट टाइम स्पिनर को लेके गए कि हमारा वेपन तो वोक्स है, हमारा वोक्स हमें विकेट निकाल के देगा. वी नीड टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक एंड दिस इज गोना गेट वेरी वेरी नास्टी. आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि अभी हम जीत गए और ये बातें हो रही हैं. मैं बता, चलिए ठीक है, बात गुड. आई एम सो ग्लैड यू आर हियर एंड वी हैव 2 आवर शो. Viewers, please call and help me out. I want to take a quick commercial break. Please stay with us. We'll be back in about 3 minutes. Thank you.